वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिजिटल पाकिस्तान ये हैशटैग आप अक्सर देखते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल और इनोवेटिव न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द आइडिया? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कारोबार करने वाले को और हर कस्टमर के पास ये सहूलत मैसर हो कि कैश ना भी हो और डिजिटली वो अपनी पेमेंट्स को उनको ऑपरेट कर सके। कोई भी चीज़ अगर उसने मंगानी है ये कस्टमर्स के लेवल तक, तो आपके सामने बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं, लेकिन B2B भी इस काम को आसान करती है। वरना इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशली अगर आप किसी फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स में डील करते हैं, उसके लिए आपका एक साइकिल चलता है। दैट डज नॉट अलाउ बिजनेसेस टू प्लान बेटर। और इसको अगर हमने मजीद फाल बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, आसान बनाना है, सो वी नीड डिजिटल सॉल्यूशंस। आज ऐसे ही एक डिजिटल सॉल्यूशन को आपसे मुतारिफ कराते हैं और उनसे बात भी करते हैं। दे आर द फर्स्ट रेगुलेटेड B2B पेमेंट गेटवे ऑफ पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ पे फास्ट। हमारे साथ इसके CEO एंड फाउंडर मौजूद हैं जनाब सैयद अदनान अली साहब। बहुत शुक्रिया अदनान फॉर बीइंग हियर। प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इनोवेशन, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि भाई जब तक कैश हाथ में लिया नहीं, उसको गिना नहीं, स्क्रीन पे बस एक डन का मैसेज आ गया, एक टिक आ गया, तो तसल्ली नहीं होती। तो उन लोगों को जिनको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, खासतौर पर अगर रिटेल सेक्टर की बात की जाए, सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियली ग्लैड टू बी इन योर शो जी। बेसिकली पे फेस्ट क्या है, अगर आप देखें तो इट्स अ रेगुलेटेड एंटिटी। स्टेट बैंक से PSP का लाइसेंस लिया और जो पर्पस था वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 60 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, ठीक है जी। 180 मिलियन आपके पास जो है वो फ़ोन यूजर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मोबाइल नंबर्स लिए हुए। बट अभी भी बिजनेसेस जो हैं वो इनेबल्ड पूरे नहीं हुए हैं, उस इकोसिस्टम के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। अभी कोई ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं कोई 4,000-4,500। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है। सो हम ये समझते हैं कि हमें बिजनेसेस को एज़ वेल एज़ जो एंड यूज़र, जो कंज्यूमर है, जो कि इनेबल्ड हो चुका है टेक्नोलॉजी के लिए, इसके दरमियान एक ब्रिज का काम करना है। और उसी ब्रिजिंग के लिए हमने स्टेट बैंक से जो है एक बड़ी माशाल्लाह से एक लंबी एक्टिविटी के बाद वो लाइसेंस लिया है। और अब हम वो जो ग्लोबल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सर्विसेज हैं, जिसमें बिजनेसेस चाहते हैं कि कस्टमर को ईज़ ऑफ पेमेंट्स दें, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, अकाउंट्स को हमने इनेबल किया है पेमेंट्स के लिए। तो ये सारी की सारी जो है वो इनोवेशन कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे वो माइंडसेट शिफ्ट देती हैं। जैसे आपने बात की कि भाई वो हमें कैश जब तक फिजिकल ना देखें हमें मज़ा ही नहीं आता। सो हमारी वॉर ही एक्चुअली कैश के साथ है। ये इकोनॉमी उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती, ये मुल्क उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप कैश लेस इकोनॉमी की तरफ ट्रैवल ना करें। एब्सोल्युटली। और जिस तरह अगर आप देखते हैं इसी खत्ते के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन आपका वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट ऐप्स तो हमारे पास बहुत हैं। हाउ इज़ पे फास्ट डिफरेंट? और ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कई लोगों का खदशा ये होता है, मैं बिल्कुल आम फहम अगर बात करूँ कि जी हिडन चार्जेस होते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपना ATM भी इस्तेमाल करने से कतराते इसलिए कि शायद जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा की कटौती हो जाए। इस पर आप क्या कहेंगे इतना? देखिए एक हद तक तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसे कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो एक कॉमन यूज़र को नहीं समझ आते, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे मुल्क में जो क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 1.8 मिलियन है, विच इज़ अ वेरी लेस नंबर, राइट। और टोटल डेबिट कार्ड्स इन सारे कार्ड इंस्ट्रूमेंट मिला के भी 45 मिलियन के हो गए, वर्सेस अगर 230 मिलियन की आपकी पॉपुलेशन है, जब भी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम है तो लोगों के जहन में एक ही अफेयर है। और यहाँ पे मैं स्टेट बैंक को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, कल इमरान खान साहब ने भी रास्त का लॉन्च किया है। सो बेसिकली रास्त स्टेट बैंक ने फिर जब ये ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी कंप्लेंट्स देखी तो उन्होंने ख़ुद से एक इनिशिएटिव लिया, और रास्त एक ऐसा ही सिस्टम है जो कि हमारी ऐसी कंपनीज को एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी बेसिस पे ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस easier and instant हो सके। easier and instant, that's the keyword over here। अदनान मुझे बताइए, आपने शुरू में ना सिर्फ B2B का जिक्र किया था बल्कि freelancers की भी बात की थी। अब अगर कोई freelancer e-commerce में आना चाहता है, अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को ऑफर करना चाहता है थ्रू अ वेबसाइट, तो अगर उनको बहुत आसान तरीके से बताया जाए कि पे फास्ट एक AMI उसमें प्लग इन हो के किस तरह उनकी मदद कर सकता है, क्या उनको बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स और ऑप्शंस देने चाहिए अपने कस्टमर्स को, या वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। अच्छा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पे फास्ट। अगर दो किस्म के फ्रीलांसर्स हो सकते हैं जी, वो जो कि अभी आप कह लें कि फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, बिल्कुल तो उनके पास वेबसाइट नहीं है, दे डोंट हैव देयर मोबाइल ऐप। सो वहाँ पे हमारे पास एक इनवॉइसिंग सॉल्यूशन है
इस इन्वाइसिंग सॉल्यूशन के थ्रू अगर उन्होंने आपके लिए सपोज कंटेंट राइटिंग की है, सो वो एक इन्वाइस जनरेट करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एसएमएस पे, मैसेंजर पे, इन एन ईजीएस्ट कम्युनिकेशन में ना आपको वो इन्वाइसिंग लिंक भेज देंगे. एंड यू एज पेयर जब उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एन चेकआउट. उसमें आपके पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी होगा, क्रेडिट कार्ड का भी होगा, अकाउंट का भी ऑप्शन है कि आप अपना अकाउंट यूज़ करते हुए भी जिस बैंक में आप पे कर सकें. और उसके बाद पेपैक जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक कार्ड है, यूपीआई का कार्ड. सो हम फ्रीलांसर्स के लिए ये वाला काम करते हैं कि जिसके पास वेबसाइट नहीं उसको सिंप्लीफाई कर दें. दूसरा, अगर किसी के पास वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, तो वहाँ पे जो भी बेस्ट मीन्स हैं उसको, अगर आपने उसका प्लगइन देना है शॉपिंग कार्ड का, जो भी प्लगइन है, तो वो सारे शॉपिंग कार्ट के प्लगइन्स हमारे पास है. जैसे वर्ल्ड लीडर इसमें शॉपिफाई है, तो हमारे पास शॉपिफाई का भी जो है वो प्लगइन अवेलेबल है. बट फ्रीलांसर जो है, वी फील के ये इस मुल्क को बहुत बड़ी जर्नी पे, या फिर जो इस कंट्री को एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. और ये हम इसी वजह से एज कंपनी भी फ्रीलांसर एसोसिएशन जो नई लॉन्च हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट ने भी आना था, कोविड की वजह से जो है वो नहीं हो सका. आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दैट. यस, तो आई एम आल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट. तो उधर हम फ्रीलांसर्स के साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि जी आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड वी एज अ पाकिस्तान रेगुलेटेड गेटवे, हाउ कैन वी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. तो हमारा ऑब्सेशन ही यही है. अदान, तो मुझे बताएं कि मल्टीपल लोगों को सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है अगर कोई फ्रीलांसर्स आपके साथ आना चाहते हैं. दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वॉल्यूम यू वांट टू गेट इनटू. इसके बारे में मजीद भी अगर आपके सवाल आते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं. इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील कम बैक एंड वील कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन विद अदनान. एंड वेलकम बैक. अच्छा जी, थोड़े अपने भी मसाइल में हल कर रही थी बिकॉज दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी. और मुझे वाकई लगता है कि जिस तरह उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी मुश्किल जो लोग फ्रीलांसर्स की मार्केट को समझ नहीं पा रहे, अदनान उनके लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स और हमारे बड़े लिमिटेड नंबर्स होने की वजह से, जो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर का काम और ख़ास तौर पर जो कोडिंग पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं उसकी दुनिया में बहुत मांग है. एंड दीज पीपल वॉन्ट टू वर्क एज फ्रीलांसर्स. मसला ये होता है कि बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वहाँ का काम भी करके दे सकते हैं, लेकिन वो जो पेमेंट है उसको पाकिस्तान लाना बहुत मुश्किल है. अदान, अभी तक जो आपने मुझे सलूशन दिया वो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये फ्रीलांसर लोकली ऑपरेट कर रहा है, अगर यही फ्रीलांसर पाकिस्तान से बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स या काम कर रहा है तो फिर ये पेमेंट पाकिस्तान कैसे आएगी थ्रू पे फास्ट? देखिए, सबसे पहले तो फ्रीलांसर्स को जो कम्फर्ट मिलता है वो ये कि दे आर वर्किंग विद अ रेगुलेटेड कंपनी. हमने जो पीएसपी का स्टेट बैंक से लाइसेंस ऑब्टेन किया है तो उसका पर्पस ही यही था कि जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होती हैं स्कीम्स के साथ, जो कि वीज़ा या मास्टर कार्ड जो ग्लोबल स्कीम है जिनके यूज़ हो रहे होते हैं, पेनियर है, तो उनकी सेटलमेंट ईजिली हो सके. सो अगर जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और जो हमारी सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ईजिली वही इन्वाइसिंग जो है वो किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं. वहाँ से वो अपने जो भी पॉसिबल उनके जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको यूज़ करते हुए जब पेमेंट सेंड करेंगे तो वो यहाँ पर आके पाकिस्तान में क्लियर हो जाएगी और उसकी बेसिस पे जो अकाउंट हमारे पास उनका होगा हम उसमें उसको क्रेडिट कर देंगे. तो पर्पस यही है कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ईजीएस कर रहे हैं और उनके लिए सिक्योर कर रहे हैं बीइंग अ पीसीआई कंप्लायंट कंपनी. अच्छा, आपने भी जिक्र किया कल वज़ीर आज़म ने जब बाकायदा रास्ट कोई इनॉग्रल की है एंड एवरीबडी हैज़ बिन टॉकिंग अबाउट हाउ ओपन एंड हाउ रिसेप्टिव आर रेगुलेटर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन. आप क्या रोल देखते हैं ऑफ द रेगुलेटर इन द अपकमिंग डेज, स्पेशली जब इन्हीं इसी ईज ऑफ पेमेंट की बात की जाए, डिजिटाइजेशन की बात की जाए, इस लैंडस्केप को डेवलप करने में इनका रोल क्या है इस वक्त? देखिए, आई हैव बीन विद द बैंकिंग इंडस्ट्री पहले कोई 17-18 ईयर्स से जो है ना, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ ही काम कर रहा हूँ, बैंक में या फिनटेक में, एसोसिएशंस के साथ भी कोलैबोरेट करता हूँ. तो जो मैंने पिछले 18 साल का अगर मैं एक सम अप करूँ तो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट बैंक को कभी भी डिजिटाइजेशन के लिए मैंने नहीं देखा. अगर आप देखें तो हमने ईएमआई का लाइसेंस इशू किया है, आप आरडीए देखें, आप फ्रीलांसर्स अकाउंट ओपनिंग का भी जो स्टेट बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग का भी रेगुलेशन इशू किया. सो वो बड़ा आप कह लें कि डेलिकेट मैनर में जो है ना ऐसे रेगुलेशन इशू कर रहे हैं जिसकी बेसिस पे हमारी ऐसी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, दे कैन कम टू पाकिस्तान और यहाँ से एक डिजिटल के लैंडस्केप को जो है जो अब एक्चुअली डेवलप हो चुका है उसकी बेसिस पे हमने टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बनानी है. तो स्टेट बैंक खासतौर पे जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रुप है स्टेट बैंक का, आई थिंक कि वो उसको बड़ा अंडरस्टैंड कर रहा है. और रास्ट को भी अगर आप देखें तो एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है बेसिकली रास्ट,
जिसके थ्रू आप कैश की जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली एक्सचेंज हो जाती है करेंसी, तो राष्ट्र भी इंस्टेंट सेटलमेंट कर देगी बिटवीन पर्सन टू पर्सन या बिटवीन बिजनेसेस टू बिजनेसेस। तो वो सिस्टम कोई दुनिया में 54 कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हुआ, और पाकिस्तान में अब जब वो रास्ट आता है तो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इट्स अ क्रेडिट टू स्टेट बैंक जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो फ्यूचरिस्टिक होते हुए नई रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। अमेजिंग। तो मुझे बताएं कि व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न जो आप समझते हैं कि इतनी सारी इनोवेशन होने के बावजूद अदनान अभी भी वी आर जस्ट स्क्रैचिंग ऑन द सर्फेस, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। हम जेन जी को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड वी प्राइमरली, जिस तरह आपने भी कहा कि करोड़ों की आबादी अभी भी कैश इंसेंटिव रहती है, लोगों को हम बैंक अकाउंट खोलने पे इस वक्त यू नो एक तरह से आमादा नहीं कर पा रहे। 10% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स हैं। इसको कैसे बदल सकते हैं, हम कैश इंटेंसिविटी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ कैसे लेके जाएं पॉपुलेशन को? आई थिंक इसके दो एलिमेंट हैं, एक ये कि एज जिम्मेदार शहरी हम सबको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस मुल्क का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, 9% है हमारा टैक्स टू GDP। तो इतने सारे जो बिजनेसेस हैं जो बिजनेस करते हैं वो कैश को प्रेफर शायद इसी वजह से कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली के टैक्स इवेजन हो सके। ठीक है, सो वो एज ए नेशन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब तक हम टैक्स देना शुरू नहीं करेंगे गवर्नमेंट को IMF और दूसरे लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा जहाँ से ओवरऑल हम सब हर्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक माइंडसेट है जो कि कहीं बिजनेसेस को चेंज करना पड़ेगा अपनी आने वाले नस्ल के लिए कि हम उनको एक बेहतर पाकिस्तान दें। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो डिजिटल पे, इंटरनेट पे, हेल्थ पे, हर जगह पे। और अगर आप इस गुडनेस ऑफ योर हार्ट पे ना भी बिलीव करते हो, योर मनी इज अ वेरी लॉयल सर्वेंट, वो आपके लिए काम करेगा और काम वो तभी कर सकता है जब आप उसको एम्पावर करेंगे। अगर आपने उसको तकिए पे या गद्दे के नीचे पैसों को रखा हुआ है या पेटी बना के रखा हुआ है, दैट इज नॉट अर्निंग यू। मैं हमेशा कभी फोरम्स पे जाता हूँ यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान का टोटल बैंकिंग का जो डिपॉजिट है इट इज अराउंड 15 trillion, और आपको पता है बैंक में अगर 100 rupees आते हैं तो वो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है, वो कहीं 700-800 rupees बन सकते हैं। तो पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो 7 trillion की है। तो 7 trillion की करेंसी पे डिपॉजिट इससे बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। तो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक शायद वो आपके घर की दराज है या फिर वो बेड है जिसके नीचे आपने कैश रखा हुआ है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमारी जैसी कंपनीज में समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो स्टेट बैंक ने राष्ट्र का इनिशिएटिव ले लिया। ना सिर्फ कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है जो आपके लिए इस लैंडस्केप को डेवलप कर रहे हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और हुकूमत भी मेरे ख्याल में हर तरह के इंसेंटिव्स और नेगेटिव इंसेंटिव्स को भी इस्तेमाल करेगी। कहीं आपको कैरेट दी जाएगी, कहीं आपको डंडे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि लोग उस तरफ जाएं। अगर हम बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की तरफ ही देखते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे या किसी भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल वॉलेट से पेट्रोल डलवाते हैं तो बकायदा आपको कैशबैक की सहूलत देते हैं। तो अगर हमने करना ही है और लोगों को इनकरेज करना है, पेट्रोल आज वैसे ही 12.5 rupees पर लीटर बढ़ गया है, प्लीज़ इस तरह की सब्सिडी देने के बजाय इनकरेज करें। आई थिंक जो आपने नंबर्स कहे हैं ना, बहुत गुना बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अदनान फॉर बीइंग हियर, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग चेंजेस हैपनिंग इन द पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी लैंडस्केप, एंड दीज गाइज, रिमेंबर देम, दे आर गोइंग टू बी द फोर रनर्स एंड द पीपल हु विल चेंज द एंटायर लैंडस्केप। लेते हैं जी अभी हम एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।